नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रदेश में एक दशक के बाद हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय बैठक की शुरुआत शुक्रवार को हजारीबाग के एक इंटरनेशनल होटल में हुई, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक में पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। लड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और आज हम यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रदेश के हमारे प्रदेश समिति के माननीय सदस्य हैं उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी और कई ऐसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्य समिति की जब बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप से राज्य के वैसे विषयों पर और इस समय जो देश तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है उस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी और उत्साह और संकल्प और ज़्यादा मजबूती के साथ। राज्यसभा चुनाव है, प्रदेश में जो स्थिति है, राज्यसभा चुनाव के मामले में अब पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा जो राज्यसभा में यहाँ से प्रत्याशी होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और यहाँ पे सारे चीजों को लेकर के जो है निर्णय होगा और कोविड के बाद कहा जाए तो एक बीजेपी का ये बड़ा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम है जो प्रदेश के बाहर इस तरीके से हो रहा है और इसमें तमाम लोग न सिर्फ प्रदेश के बल्कि केंद्रीय नेतृत्व से जो है प्रदेश के प्रभारी वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मनोज कशिश, न्यूज हजारीबाग। तो अर्जुन मुंडा का बयान और यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, कल भी यह बैठक हुई थी और पार्टी की मजबूती और आय की रणनीति पर चर्चा लगातार की जा रही है, जिसमें बीजेपी से जुड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मकसद है कि किस तरीके से पार्टी की मजबूती को लेकर के कार्यकर्ताओं से संवाद को लेकर के आय की रणनीति और आय का जो कार्यक्रम है वो तय किया जाए। बहरहाल लगातार जो मंथन विचार विमर्श है वो पार्टी के अंदर किया जा रहा है। तो आज अरण विहार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। झारखंड न्यूज कॉन्टर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज भी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, क्या मकसद इस बैठक का और किस तरीके का नजारा वहां देखने को मिल रहा है? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी हैं, दिनेशानंद गोस्वामी हैं, रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा है और तमाम सांसद विधायक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है और बैठक को लेकर के जो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम नेता कार्यकर्ता और सारे लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। मैं बता दूँ आपको कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बैठक के अगर हम कार्यक्रमों की अगर हम बात करेंगे तो अब से थोड़ी देर में बैठक का कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद जो है एक राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो भी यहाँ पर चर्चा होगी और राजनीतिक प्रस्ताव के बाद जब उस पर चर्चा होने के बाद उसे यहाँ बैठक में उस पर निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद जो संगठन के जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल जी, उनका संबोधन होगा, नागेंद्र जी का संबोधन होगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी संबोधन होगा। वो सारी चीज़ों को सामने में रखेंगे और ये सारी चीज़ें मैं बता दूं आपको उसे अब से थोड़ी देर में होगा। अब यहाँ पर तमाम नेता मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। पहले तो बाबूलाल मरांडी जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, कोविड के बाद कहा जाए तो एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें रूबरू होंगे आप। तो बता ही दिए, कोविड के बाद पहली बार फिजिकल यानी शारीरिक रूप से सब कार्य समिति के कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित हुए
पहले भी बैठकें होती रही लेकिन वर्चुअल होती रही, या फिर आधे लोग कार्यालय में बैठते थे, बाकी अन्य जगहों पर रहते थे अपने अपने जगहों से। तो कुल मिला जुला करके ये कह सकते हैं कि 2 साल में ये पहली दफा। प्रदेश की जो स्थिति है, जो राज्य की अभी स्थिति है, और ये बैठक राज्यसभा चुनाव भी है, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक होगा, इसका क्या फलाफल निकलेगा सामने? देखिए, बैठक प्रदेश की कार्य समिति नियमित रूप से होती है, रेगुलर होती है, और स्वाभाविक है जब राजनीतिक कार्यकर्ता बैठेंगे तो राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, चर्चा भी राजनीति की होगी, और राज्य के लिए ही चर्चा भी होगी, राज्य के लिए पार्टी तय करेगी। तो आप देख सकते हैं राहुल के किस तरीके से यहाँ पे जो है, हम रघुवर दास जी हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे भी बात करने की, बस तो आप देख सकते हैं, हालांकि उन्होंने बात करने से इनकार किया। अब आइए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे किस तरीके से जो तमाम विधायक और यहाँ पे सारे लोग हैं, किस तरीके से उत्साह नज़र आ रहा है सारे लोगों में, और यहाँ पे तमाम पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं, प्रदेश से जुटे हुए हैं कार्यकर्ता तमाम यहाँ पे, और हर जिले से लोग यहाँ पे आए हैं, महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्री लोग भी हैं यहाँ पे। हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लुइस मरांडी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि काफ़ी दिनों बाद एक तरह से सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का मौका मिला। हाँ, लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज हजारीबाग में होने वाली है। अब इसीलिए हम सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि लंबे समय बाद एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो रहा है, और पार्टी का जो गतिविधि है वो शुरू हो गया है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद पार्टी का कार्यक्रम जो ग्रास रूट तक ले जाना है, निश्चित रूप से हम लोगों को दिशा निर्देश मिलेगा और पार्टी का गतिविधि बढ़ेगा और पार्टी मजबूती की ओर और आगे बढ़ेगा, ऐसा हम लोगों को पूरा उम्मीद है। मांडर चुनाव है, राज्यसभा चुनाव है, और प्रदेश में जो सारी चीज़ें चल रही है वो सारी चीज़ों पे अगर हम कहें तो इस बैठक में आज चर्चा होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, प्रदेश के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक यहाँ मौजूद हैं, और ये एक भव्य तरीके से अरण्य विहार को यहाँ पे सजाया गया है, और यहाँ पे तमाम लोग आज क्या कुछ होना है। प्रदेश के प्रवक्ता जो हैं हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं आज की जो बैठक है, तो इस बैठक में क्या कुछ लिया जाएगा, निर्णय किस तरीके से होगा। ये देखिए, 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक है प्रदेश भाजपा की। कल प्रथम सत्र में पदाधिकारी और कोर कमेटियों की बैठक हुई। आज राज्य भर से जो प्रतिनिधि जो कार्य समिति में है उनका आना हुआ है, और इस कार्य समिति में जो मुद्दे तय होंगे, राज्य सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जाना है उसको लेकर हमारी पार्टी कमर कस चुकी है कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है, चूँकि 2.5 वर्षों के जो कार्यकाल इनका रहा है निश्चित रूप से जनता की इच्छाओं के खिलाफ रहा है, और जो लूट का साम्राज्य इन लोगों ने राज्य में कायम किया उसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है। इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। मांडर उपचुनाव है, राज्यसभा चुनाव है, उसके बाद अगर हम कहें जो प्रदेश की स्थिति है, तो क्या इन सारे चीजों पे भी कुछ निर्णय होगा, कौन लड़ेंगे, कैसे रहेंगे? राज्यसभा से बीजेपी के कौन से प्रत्याशी होंगे, कितने सीटों पे, चूंकि 2 सीटों पे होना है तो किस पे कितने उम्मीदवार यहाँ से आएंगे? देखिए, कार्य समिति की बैठक पर इन चीजों पर चर्चा नहीं होता कि राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा या उपचुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, उसके लिए अलग फोरम है, और उसके लिए पार्टी के प्रदेश के कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो, उसके अलावा चुनाव समिति में इन बातों पर चर्चा होती है। लेकिन आने वाले दिनों में जो हम आंदोलन का कार्यक्रम चलाएंगे राज्य सरकार के खिलाफ, वो तमाम बिंदुओं पर यहाँ चर्चा होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है मार्गदर्शन करेंगे हमारा, हम जैसे कार्यकर्ताओं का, और हम अपने अपने गृह जिलों में जाकर सरकार के खिलाफ जो बिगुल फूंकना है उसका झंडा बुलंद करेंगे, गृह जिलों में जाकर करेंगे। जो अनुसूचित जाति मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरदीप यादव, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, तो वो भी अभी हमारे साथ में। इस कार्य समिति से क्या उम्मीद है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिलेगा, क्योंकि कौन कौन लोग अभी शामिल हो रहे हैं इसमें? जैसी जानकारी है कि जो प्रदेश प्रभारी हैं दिलीप सैकिया, वो भी शामिल हो रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। हजारीबाग में 15 साल के बाद प्रदेश कार्य समिति का आयोजन करने का यहाँ के कार्यकर्ताओं का मौका मिला है,
और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और निसंदेह यह कार्य समिति कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा और आने वाले समय में यह कार्य समिति झारखंड के दशा और दिशा तय करेगी। झारखंड की दशा और दिशा तय करेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ पे आप बताइए, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से ये हो रहा है, कितना उत्साह आप लोगों में भरेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 15 साल के बाद हजारीबाग में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत की गई है और हजारीबाग का सौभाग्य है और हजारीबाग के पावन धरती पर तमाम जो हमारे आगंतुक आए उनका हम स्वागत करते हैं और यह काफी ऊर्जा देगा, राज्य सरकार को खार फेंकने में कामयाबी हासिल होगा। विधायक मनीष जायसवाल हैं हमारे साथ। हजारीबाग के अगर कहें तो हजारीबाग से हजारीबाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक तरह से कहा जाए मेजबान की भूमिका में है, आप बताइए। आज हजारीबाग के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ पे आयोजित है और प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, विधायक गण हैं, सांसद गण हैं, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। बतौर मेजबान अगर हम कहें हजारीबाग को रिप्रेजेंट करते हैं, हजारीबाग में पूरी बीजेपी न सिर्फ राज्य स्तर बल्कि राष्ट्रीय जो तमाम नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिए, यही तो मैंने कहा अभी आपसे कि ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए कि ये पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की हम लोगों के बीच में आज हजारीबाग में है और अभी हजारीबाग से ही एक मैसेज भी जाने वाला है यहाँ से कि भारतीय जनता पार्टी किस मजबूती से लोगों की सेवा में लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं राहुल की किस तरीके से तैयारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो तमाम लोग आ रहे हैं, जो भी नेता कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, उनकी जो स्वागत की जा रही है बड़ी भव्य तरीके से की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आ रहे हैं यहाँ पे और किस तरीके से उन लोगों का यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता वो स्वागत कर रहे हैं और जो यहाँ पे बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे चंदन टीका लगा करके, फूलों की वर्षा करके, तो एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ा ही भव्य जो दृश्य है यहाँ पे बीजेपी के इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो है, प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उसमें यहाँ देखने को मिल रही है। हम कोशिश करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से भी दो शब्द बात करने की कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है सारी चीज़ें चल रही है। जिला अध्यक्ष हैं अशोक जी और प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ में, हम कोशिश करते हैं। अभी छोटे देखिए, अभी चूँकि समय हो चुका है उद्घाटन का, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे स्वागत कर रही हैं सारे जो भी आगंतुक यहाँ आ रहे हैं। और जैसा कि तमाम नेताओं से हमारी बात हुई, बड़े नेता से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता तक, सारे लोगों ने एक स्वर में कहा है कि इस बार जो है, एक तरह से कहा जाए तो हजारीबाग से एक मैसेज पूरे प्रदेश के लिए जाएगा कि किस तरीके से जो सारी चीज़ें चलेंगी आगे, बीजेपी का क्या दिशा जो होगी आगे के दिनों में, किस तरीके से प्रदेश की समस्याओं को लेकर के संगठन को मजबूत करने की बात हो, प्रदेश की समस्याओं को, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से आएंगी आगे, किस तरीके से काम करेंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं यहाँ पे। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं कार्यकर्ता और व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता वालों से आग्रह होगा। अब से बस थोड़ी देर में विधिवत तरीके से सारी चीजें जो है वो शुरू होंगी। यहाँ पर तमाम नेता, सांसद, विधायक, बीजेपी के तमाम जो बड़े छोटे नेता हैं वो सब यहाँ पहुँचे हुए हैं और जैसा कि मैंने अभी तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं और एक तरह से कहा जाए तो एक उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में भरने का काम करेगा ये। और जैसा कि बताया जा रहा था कि राजनीतिक प्रस्ताव भी इसमें आएंगे और उन सारी चीज़ों पर भी चर्चा होगी, तो जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं देख सकते हैं आप, तमाम जो हॉल है पूरा खचाखच भर चुका है, जो भी यहाँ पे बड़े नेता पहुँचने थे वो सारे पहुँच चुके हैं। बस अब से थोड़ी देर में जो प्रदेश कार्य समिति के जो तमाम लोग हैं
वो सारे लोग यहाँ पे शुरू होंगे अभी विधिवत तरीके से यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके, और उसके बाद तो चलिए बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम तस्वीर के लिए। और